भाई सुन लो मेरी बात, बात सुन लो। लोगों को बाकायदा धमका रही हैं और एक ऐसे लहजे में उनके साथ बात कर रही हैं जो एक विधायक को शोभा नहीं देता। पर आपने 50 साल में बीजेपी को वोट नहीं दी, दी होती तो आपका ये सलूक रहता। वो भी खुद को खुदा समझते थे, लेकिन उनका जो अंजाम हुआ वो पूरा इलाका जानता है। दोस्तों आपका स्वागत है पल पल मीडिया में, मैं हूँ आपके साथ उमर मोहम्मद। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोशल मीडिया पर नोकचम चौधरी का एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं आपके लिए बता दें कि उसके बाद उसके जवाब में सीएम मुख्तार अहमद जो कामा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं उनका भी उनके जवाब में एक वीडियो उन्होंने बनाया और उन्होंने अपने फेसबुक पर उस वीडियो को वायरल किया। लेकिन किस बारे में इस वीडियो को वायरल किया गया, किस चीज़ को लेकर वायरल किया गया, ये सारी जानकारी आपको सीएम मुख्तार अहमद की उस वीडियो से और नोकचम चौधरी की जो वीडियो वायरल हो रही उससे आपको साफ पता चल जाएगा। तो दोस्तों उस वीडियो को मैं आपको पूरा ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन उस वीडियो को देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए आपको नोकचम चौधरी की भी वो वीडियो सुनवाते हैं और वहीं से मुख्तार अहमद की जो उसके जवाब में वीडियो उन्होंने बनाई है उसकी वीडियो क्लिप भी आपको सुनवाते हैं। लेकिन फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक पल पल मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे सर आंखों पर आपने 50 साल में बीजेपी को वोट नहीं दी, दी होती तो आपका ये सलूक रहता। इसमें एक रीजन है, मैं आपको बताता हूं। सुनो, पूरे प्रशासन के अधिकारी आपके साथ, आपने पहली बार बीजेपी को वोट दी, पहले नहीं दी आपने, पहले भी बीजेपी की सरकारें रही है, आज नहीं रही, आज पहली बार नहीं बनी बीजेपी की सरकार। आप एक सेकंड, दूसरा आपके पास पहले भी बीजेपी से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं यहाँ से, तब क्या कर रहे थे आप लोग? इसका एक रीजन है, अब तक जितने भी बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ चुनाव आके लड़े हैं वो बाहर के क्षेत्र। अरे भाई सुन लो मेरी बात, सुन ले मेरी बात, बात सुन ले, बाहर के काम नहीं कराते भाई, जो विधायक बना है उसका काम है फर्ज है काम करना। आप अपने क्षेत्र नहीं, सुन लो मेरी बात, बात सुन लो, आप लोगों को हमसे काम लेना, हम लोग काम करने आए, जम्मू कश्मीर से आ गए, ठीक, आपके बिना कहे, आप में से तब एक भी आदमी ने मुझे फोन करके नहीं बोला, डालचंद एक भी आदमी ने पीछे फोन करके नहीं बोला कि जी आप विधानसभा में डूब क्षेत्र का मुद्दा उठाइए, तब क्यों नहीं बोला, तब क्या दिक्कत आ रही थी भाई? 10 आदमी मिलते इन गाँवों से जा करके, 10 आदमी मिलते, आपके कहे बगैर मैंने प्रश्न लगा रखा है और अभी भी आपको कोई दिक्कत है? 15 साल मिला एसडीएम साहब, एसडीएम साहब साथ में याद है कि नहीं मिले? मैंने कलेक्टर साहब पे हाथ ही एक चीज के जोड़े हैं, हाँ जो सही है, डूब क्षेत्र के लिए मेरा ये फोन बजता रहता है, इसकी थोड़ी कार्रवाई देखे, फोटो मुझे डाल, हम भी गए वहाँ, उसी को मुद्दे को लेकर गए। अब जिनको करना है विरोध वो तो करे खुल कर, जिनको करना विरोध वो तो करे मेरा खुल कर, ठीक। आपने जीवन में पहली बार बीजेपी को वोट दी और वो हमारे सर आंखों पर, आपने 50 साल में बीजेपी को वोट नहीं दी, दी होती तो आपका ये सलूक रहता। और आप लोगों जिसने विरोध करना विरोध करो, जिसने अपना काम निकलवाना है सरकार के साथ संतुलन बना के सरकार से काम करो। हमारे गांव के ने आपके साथ मैडम कोई आए रहे सरपंच बताओ, कलेक्टर साहब के बाद भाई बोल खड़े वाला सरपंच अक्रम देवंदर वहाँ पर हाथ जोड़े मैंने, अरे दूसरी बात देवंदर है, मेरे ये 100 फोन बजते हैं इसी चीज के, गरीब आदमी फसल है देवंदर और रोका जा, हम लोग भी किसान परिवार से आते हैं, इसको थोड़ा देवंदर जी, तो इसलिए हम आपकी समस्या सुनने आए हैं, आपका इसका हल करेंगे,
आपने मुझे वोट दे दी, बीजेपी को वोट दे दी, जो मेरे सर आप पहली बार आपने बीजेपी को वोट दे दी, पहली बार कोई मेरे ख्याल से बीजेपी का विधायक बना है, पहली बार सरकार आई है बीजेपी की राजस्थान में, पहली बार राजस्थान की राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई है, पहली बार आपने वोट दे दी, पहली बार आपने मैडम जी इसलिए कह रहे हैं आप जुड़ी हैं, बीजेपी को देते तो फिर ऐसी कहानी ना अगले साल बजट में एमएलए साहब ने मुद्दा भी उठा, बजट नहीं मिलेगा इसका स्पेशल, वो विरोध करने वाले विरोध करते रहो उनसे, कोई कमेंट नहीं, छाया में खड़े हो जाए छाया में, उन्हें करने दो, उनसे क्या लेना, नौनेरा गांव को नहीं है, ये गारंटी है, नौनेरा गांव को किसी एक बच्चे ने कोई कमेंट नहीं की, कहीं एक बात क्या बात को नौनेरा गांव ने कमेंट नहीं की। साथियों जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। अभी अभी सोशल मीडिया के माध्यम से एक कामा विधानसभा की विधायिका नौक्षम चौधरी जी का बयान मेरे संज्ञान में आया है, जिसमें वो नौनेहरा और उसके आसपास के गांव के जिम्मेदार लोगों को बाकायदा धमका रही हैं और एक ऐसे लहजे में उनके साथ बात कर रही हैं जो एक विधायक को शोभा नहीं देता, किसी भी साधारण आम आदमी को इस तरह के लहजे में बातचीत करना शोभा नहीं देता। इससे पहले भी कुछ लोग जो राजनीति के केंद्र में थे वो भी इसी तरह हमारे इलाके के लोगों को बेइज्जत करते रहे हैं और वो भी खुद को खुदा समझते थे, लेकिन उनका जो अंजाम हुआ वो पूरा इलाका जानता है। मैं सिर्फ मेरे इलाके के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आपकी समस्या मेरी समस्या है, आपका भाई आपका बेटा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा है, और मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ, छोटा मोटा मैं रोज़गार करता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, मैं मेरे निजी कोष से इस इलाके की इस समस्या का समाधान की कोशिश करूंगा और इसका जो पानी है उसे निकलवाने के लिए हर संभव हरसक प्रयास करूंगा। मैं क्योंकि मैं अब सरकार का हिस्सा नहीं हूं तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं इस समस्या को हमेशा हमेशा के लिए इसका समाधान आज करने की स्थिति में हूं, लेकिन मैं अभी इस पानी के निकलवाने के लिए जो भी संभव प्रयास हो सकते हैं वो सब कुछ करूंगा, लेकिन आपके मान सम्मान पर चोट नहीं आने दूंगा, आपका भाई साहब से वादा कर रहा है।